हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल है उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं कि आप के लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है और जब मेकअप करते हैं और मेकअप पोर्स और ज़्यादा बड़े लगने शुरू हो जाते हैं तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे भी पोर्स की प्रॉब्लम है किसी भी ऑयली स्किन वाले बंदे के पोर्स की प्रॉब्लम होती है सो so, क्योंकि वो ऑयल कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहे हैं बहुत ही लार्ज लगते हैं सो so, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं उनको uh, कैसे मैं मेकअप करती हूँ कि वो कम लगे आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा क्योंकि बहुत प्यारी एंड हेल्पफुल वीडियोज़ बनाती हूँ मैं एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ज़्यादा देरी नहीं करते हुए जल्दी से इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं ताकि आप अपना फ्लॉलेस मेकअप बेस बना पाएं सबसे पहले शुरुआत करेंगे अच्छे स्किन केयर के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब हम स्किन केयर नहीं करते हैं क्योंकि स्किन केयर नहीं करेंगे तो फिनिश अच्छी नहीं आएगी सो मेक श्योर करें आपका फेस अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो सनस्क्रीन लगा सकते हैं और एक दिन पहले रात को जो अगर आपको किसी स्पेशल इवेंट पे जाना है तो अपने चेहरे को एक्सफोलिएट कर सकते हैं किसी भी स्क्रब से डीआई मुझे ये डॉमोलॉजिका का एवरी डे बहुत अच्छा लगता है इससे मेरी स्किन बहुत स्मूथ फील होती है सो वंस यू आर डन विद सो वंस यू आर डन That, अगली बारी आती है प्राइमर की आपके साथ शेयर करूंगी अफोर्डेबल ऑप्शन वो है एल्फ का प्राइमर आ, ये है पावर ग्रिप प्राइमर जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है पर बिकेज आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो पोर्स की है तो आप कोई पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं ये नंबर सेवन का एयर ब्रश अवे पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर बहुत अच्छा है इससे आपके पोर्स की अपेयरेंस खत्म हो जाती है पर एक चीज़ है कि अगर आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह एक्सफोलिएट किया हो स्किन केयर किया हो ना तो पोर्स वैसे ही कम दिखने शुरू हो जाते हैं पर यस प्राइमर ज़रूर से यूज़ करें स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे आपके पोर्स की प्रॉब्लम है एंड इसको सबसे पहले डबिंग मोशन में एंड देन सर्कुलर मोशन में लगाएं ताकि ये अच्छी तरह पोर्स के अंदर फिल हो जाए और अब इस काम के लिए मैं तो चाहूंगी कि आप थोड़ा अच्छा किस्म का ही ब्रांड यूज करें बिल्कुल लोकल ना करें क्योंकि ये स्किन के अंदर जाता है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई ब्रेकआउट्स हो जाए थोड़ा ठीक ठाक ड्रग स्टोर किस्म का ब्रांड ही यूज करें सो अब हम सर्कुलर मोशन पे लगा लेंगे चिन पे भी क्योंकि वहां पे भी पोर्स होते हैं विजिबली दिखते हैं एंड नोज पे सो so, अगली बारी है कि अगला प्रोडक्ट लगाने से पहले हम थोड़ा सा हमारी स्किन को सेट होने देंगे क्योंकि एकदम से जब चीजें लगाते हैं ना मिक्स मैच हो गए अच्छी फिनिश नहीं आती है तो अराउंड वन देंगे हमारे प्राइमर को सेट होने के लिए देन हम फाउंडेशन से शुरू करते हैं जब भी मुझे वीडियो शूट करनी होती है ना तो मेरे बाल ऑयली होते हैं अदरवाइज वो बेचारे ठीक रहते हैं सो so, फाउंडेशन के लिए आप अपना पसंदीदा कोई सा भी फाउंडेशन यूज करें मुझे टू फेस का बॉन्डेस पे बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी ये एक महीने में एक्सपायर होने वाला है तो मेरी कोशिश है कि इसको फिनिश किया जाए इसको लेके मैं अद्धा अद्धा पम्प पूरा पम्प नहीं अपने फेस की दोनों साइड लगा लेती हूँ एक्चुअली इस फाउंडेशन का कलर मेरे चेहरे पर डार्क है ये क्योंकि मैं अभी धूप में बैठी नहीं हूँ तो मेरी स्किन थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई है सो so, फाउंडेशन का शेड चेंज करना पड़ेगा पर इस इसके तो हम इसे मिक्सन मैच करके सही कर लेंगे लाइट कंसीलर के साथ क्योंकि मैं इस फाउंडेशन को वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सो so, अब हम लेंगे एक फ्लैट ब्रश brush. ये ब्रशेज मेरे ब्रश लाइन में से है हमारे पास मेकअप uh, ब्रशेज का एक पूरा बैग है जिसमें एट डिफरेंट ब्रशेज हैं जो आपके पूरे फेस के मेकअप के लिए इनफ है आई मेकअप फेस makeup. सो so, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जरूर से देखें और खरीद अप्लाई करना है में, वाले एरिया में, वो हो so, like this, उसी एरिया में। आप देखेंगे की ये स्टेप आपके को so, circular, circular dabbing. Dabbing फो, फो, motion, पोर्स को कितना इनविजिबल कर सो सर्कुलर एंड डबिंग डबिंग मोशन मैं इसलिए यूज कर दी क्योंकि मेरे चेहरे पर स्कार्स है वो फिर अच्छी कवरेज आती है एंड सर्कुलर मोशन पोर्स को छुपाने के लिए तो so, इस तरह हम सारे चेहरे पे स्प्रेड कर देंगे आई होप आप देख सकते होंगे कि काफी ज्यादा स्मूथ लग रही है स्किन उसकी वजह है जो अप्लाई करने का मेथड था और दूसरा प्राइमर उसने बहुत हेल्प की एंड सरफेस काफी स्मूथ हो गया है एंड अब हम कंसीलर से हाईलाइट करेंगे मेरे चेहरे को सो so उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ टार्ट का शेप टेप कलर है 29 एन लाइट टू मीडियम इससे अब बैलेंस हो जाएगा अभी मैंने पूरी पहनी है तो दिखता नहीं है वैसे अदरवाइज मेरे गर्दन से मेरा चेहरा काफ़ी काला हो जाता है इस फाउंडेशन की वजह से ये स्टेप हर एक बंदे के लिए नहीं है पर अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं और अपने चेहरे को हाईलाइट करें तो काफ़ी अच्छा लगता है चिक बोन्स थोड़ी शार्प लगे यहाँ पे भी लगा लेंगे अगर आपका फेस बेस अच्छा होता है ना तो सारा मेकअप अच्छा लगता है फेस बेस अच्छा होता है जब आपकी स्किन अच्छी होती है लाइक आपने अच्छी तरह एक्सफोलिएट किया है स्किन को प्रप किया है मॉइस्चराइज किया है प्राइमर लगाया है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा सो तो अब इसको भी डैपिक मोशन में ब्लेंड कर लेंगे कंसीलर हो चुका है अब तो हमारा चेहरा थोड़ा ज्यादा वाइट लग रहा है पर ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा चिंता नहीं करें अब हम हमारे फेस को कॉन्ट्रा कर लेंगे उसके लिए मैं मेबलिंग का सिटी ब्राउन यूज़ करती हूँ एक तो इससे मेरा जो फेस है से वो सेट हो जाता है और कॉन्ट्रा भी हो जाता है वैसे कि क्रीम प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे ये अच्छा लगता है मर का एंगल ब्रश लेंगे प्रोडक्ट को इसके ऊपर लेंगे एंड हमारे फेस को एक शेप दे देंगे लाइक शेडो क्रिएट करेंगे हेयर लाइन से शुरू करेंगे क्योंकि हेयर लाइन जो बिल्कुल चिट्टी चिट्टी अच्छी नहीं लगती है सो थोड़ी सी अगर आपको है कि आपने ज़्यादा तो सेट कर सकते हैं क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट को आप माइनस कर देते हैं पाउडर प्रोडक्ट से आपका फेस भी सेट हो जाता है और फाउंडेशन ब्रश को लेके इसको थोड़ा सा से सेटल डाउन कर लेते हैं फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज्यादा अच्छी है मुझे अलग है कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं मेरे स्कार्स पूरी तरह हाइड हो चुके हैं सो वंस वी आर डन वी आर डन अब मैं मेरे फेस को ना थोड़ा हाईलाइट भी करती हूँ उसके लिए मैं यूज करूंगी पेसिफिक का ब्रांड का चारी गोल्ड पैलेट इसका ये जो गोल्ड है ना रोज गोल्ड जैसा है और हमारी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है सो so इससे हम हमारे फेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे हाई पॉइंट्स को इससे लाइट बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट होती है ये गैस सी थोड़ा सा नोज पे भी कर लेते हैं ब्रश का साइज छोटा रखें तो अच्छा है क्योंकि फिर ना नोज अच्छा शेप लगती है बहुत बड़ा ब्रश है मेरे लिए और हाईलाइटेड ना हमेशा उस जगह पे लगा

एक तो उससे ना अपेयरेंस बहुत स्मॉल uh, आएगी ये जो पफ्स हैं ये मैंने अमेजोन से ख़रीदे हैं इस पर अच्छा प्रोडक्ट लेके एक्सेस को उतारना है क्योंकि एक्सेस को उतारेंगे तो वो भर जाएगा एंड केक फिनिश आएगा सो समथिंग लाइक दिस है और इससे मैं मेरी पोर्स को प्रेस कर रही हूँ यू नो ओल्डन डेज में ऐसे करते थे मेकअप इसी तरह हम हमारी लो लैशेस uh, को भी कर सकते हैं बहुत अच्छा हाईलाइट हो जाती है आपकी लैशेस। कोई सा भी लूज पाउडर लेके मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर लिया है शेड का नाम बनाना है तो so, इससे हम हमारे पोर्ट्स को प्रेस कर देंगे समथिंग लाइक दस इससे वो काफी देर तक कवर रहेंगे एंड विजिबली दिखेंगे नहीं आई मेकअप के बाद वापस आती हूँ ऑलरेडी दोस्तों आई मेकअप करने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ मेरा फेस कुछ इस तरह का लग रहा है मैंने सिर्फ ब्लश ऐड किया है ब्लश के लिए मैंने ऐड किया है ये एल्फ का ऑलवेज़ रोजी बहुत प्यारा शेड है जब आप ब्लश अपने चेहरे पे ऐड करते हैं ना आपके चेहरे पे थोड़ी ज़िंदगी आ जाती है पर अगर आप सवर आए जैसे ब्लशेज अच्छे नहीं लगते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं इनकी कोई मजबूरी नहीं है सो so, एक स्टेप है अगर आप किसी इवेंट के लिए मेकअप कर रहे हैं तो आप अपना पाउडर फाउंडेशन एंड ये पफ्सा अपने साथ रख सकते हैं जब भी आपको लगे आप इसको लेके थोड़ा सा सेटअप कर सकते हैं इससे आपके जो पोर्स हैं वो फिर से फिल हो जाएंगे और जो ऑयल निकल रहा है वो कम दिखेगा क्योंकि जब ऑयल दिखता है तो पोर्स ज़्यादा बड़े या अजीब लगते हैं सो so, ऐसे ऐसे आप सेट कर सकते हैं इसको आप अमेजोन से खरीद सकते हैं और कोई सा भी पाउडर जो भी आप पाउडर यूज़ करते हैं लूज पाउडर ये पाउडर फाउंडेशन है सफोरा का मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना थोड़ी कवरेज भी आ जाती है एंड uh, इसका शेड है ट्वेंटी सिक्स नेचुरल सैंड और ये है सफोरा का मैट परफेक्शन पाउडर फाउंडेशन सो इसमें कवरेज भी है सो so, ये आप कैरी कर सकते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेटिंग स्प्रे सेटिंग स्प्रे के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है मेब्लिन की लास्टिंग फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे अप टू सिक्सटीन आर वेयर मैट फिनिश सो इसकी फिनिश मैट है जिससे आपके पोर्स पोर्ज मैटिफाइंग लगेंगे और ज़्यादा विजिबल दिखेंगे नहीं क्योंकि जब ऑयल रिलीज होता है तो ज़्यादा लगता है तो इससे आप अपना मेकअप करने के बाद सेट कर सकते हैं दूसरी चीज़ जब आपको लगता है कि आपने अपने पाउडर से सेट कर लिया उसके बाद इसे फिर से स्प्रे करें तो आपका मेकअप रिफ्रेश हो जाता है तो इस तरीके से आप मेकअप करें कि आपके पोर्स पिद्दी लगें एंड आप इस तरह उसको ऑल डे सेटअप कर सकते हैं बार बार स्प्रे के साथ एंड देन पाउडर के साथ पाउडर के साथ देन स्प्रे के साथ रिफ्रेश करने के लिए सो so, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें अगर मेकअप से रिलेटेड कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं मैं ज़रूर ही उस पर काम करूँगी और मेकअप की वीडियोस का ऐसे है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान सिंपल तरीके से वीडियोज़ बनाऊँ ताकि सबको समझ में आए और सारे लोग मेकअप के एक्सपर्ट बन जाए सो so, ओके okay, दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मैं नहीं मिलूंगी नए वीडियो में जल्दी ही तब तक, तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें यू इज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग यू इज कैन डू एनी थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट एंड टेक एक्शन को ईजी आई लव यू सो वेरी मच